सावन मास के पांचवें व अंतिम सोमवार को विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर बैजनाथ में भगवान भोलेनाथ के दर पर हजारों श्रद्धालुओं ने शीश झुकाया। भारी बारिश के चलते प्रातःकालीन में श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। हालांकि मंदिर के द्वार खोलने से पहले ही श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगना शुरू कर दिया था। भारी बारिश के कारण उफनती बिनवा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी घाट के ऊपर से गुजर रहा था, जिसके मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने खीरगंगा घाट पर लोगों को नहाने के लिए मना कर दिया तथा बारिश के चलते साथ लगती डांग से कुछ पत्थर भी घाट पर गिरे। बाद में बारिश थमने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई तथा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में भक्तों ने अपनी बारी का इंतजार किया। खीरगंगा घाट को भक्तों के स्नान के लिए खोल दिया गया। हालांकि सुबह करीब 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए, द्वार के खुलते ही जयकारों से मंदिर गूंज उठा। शिव शक्ति भगवान शिव तथा मां पार्वती पर बेल पत्ती पंचामृत फल फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। बरसात के मद्देनजर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। मंदिर परिसर में वाटर प्रूफ टेंट का प्रबंध किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए लगाई गई लाइनों तथा यातायात सुविधा को बहाल रखने तथा खीरगंगा पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस का प्रबंध किया गया था। पपरोला निवासी समाजसेवी प्रवीण शर्मा ने भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। प्रदेश पुलिस महानिदेशक सीताराम सुबह बैजनाथ मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर शीश नवाया। मंदिर अधिकारी एवं तहसीलदार विचित्र सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार कालिदास, न्याय कमेटी के सदस्य अनिल शर्मा, संदीप गर्ग, गुरुवचन सिंह चौहान, गोपाल चंद्र राव, ओंकार सूद ने व्यवस्था का जायजा लेते रहे। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे। उन्होंने बताया कि इस मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में शीश नवाया है।